कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तुम्हारे झा में। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 28/11/2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये एक्टिविटी शीट है। हमारा आज का टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी ये हिंदी में देखें तो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उद्देश्य, एक से अधिक आकृतियों के संयोजन से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसके दृश्यमान यानी जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसके पृष्ठों की पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मोर देन वन शेप्स टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो उसके लिए ये जो चैप्टर है ये आपके पुराने बुक में चैप्टर नंबर 13 और नई बुक में चैप्टर नंबर 12 है। अब आइए इसमें मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है उसको देखते हैं। इसके लिए चाहिए वुडन शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ कोन अ पेंसिल, यानी शंकु एवं बेलन की लकड़ी से बनी आकृति और एक पेंसिल। अब लकड़ी से बने शंकु एवं बेलन की आकृति लीजिए। ये हमने बेलन ले लिया, ये शंकु ले लिया। इस दोनों को हमने जोड़ना है। जोड़ने से बनी आकृति पेंसिल बनी है। तो पेंसिल में देखें आपको कौन कौन सा पार्ट दिखाई देता है। जो दिखाई नहीं देता उसको तो हमें लेना नहीं है। जो दिखाई देता है विजिबल पार्ट है उसका ही सरफेस एरिया आपको निकालना होगा। यदि कहेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जो आपको भाग दिखाई दे रहा है उसका सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले देखें कौन कौन सी भाग दिखाई दे रही है आपको। ये नीचे वाली आकृति जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालना होगा, और फिर ये कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों। तो अब आप क्या देख रहे हैं, शंकु और बेलन का संयोजन करने पर दृश्यमान भाग कौन सा दिखाई देता है आपको। दिखाई देता है ये शंकु का कौन सा भाग दिखाई देता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। और बेलन का क्या भाग दिखाई देता है, बेलन का आपको आधार भाग दिखाई देता है, आधार। और ये पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको आपको दिखाई देता है। तो आकृतियों के संयोजन से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें एक या अधिक आकृतियों के दृश्यमान पृष्ठों की पहचान करनी, हमें देखना है कौन कौन सा भाग दिखाई देता है और फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को आवश्यकता अनुसार जोड़ना या घटाना, कहीं में घटाना भी पड़ सकता है, कहीं पे जोड़ना भी पड़ सकता है। विजिबल पार्ट ऑफ कोन जो है आपको बेस ऑफ मतलब कोन का क्या है, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और इसका जो है विजिबल पार्ट ऑफ सिलेंडर यानी एरिया ऑफ बेस है ये, और ये सी एस ए कर्व सरफेस एरिया है। तो जो आपको दिखाई देता है उसका ही जो विजिबल पार्ट है उसका ही एड या सब्सट्रैक्ट करके जो फिगर में जैसी आकृति बनती है तो कहीं पे ऐड भी करना होता है, कहीं पे सब्सट्रैक्ट भी करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका सरफेस एरिया ज्ञात करना होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।